ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया जुगाड़ जो दिखा रहे हैं वो जुगाड़ आपको बहुत काम में आएगा और एकदम सिंपल जुगाड़ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे छोटी छोटी बातों में जो हमारे किसान भाई हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और कितना इजी यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हैं। एक काम कीजिए, देखिए ये जो छोटा सा मशीन बनाया है, जो हमारे यहाँ हर एक किसान के पास ऐसा स्प्रे पावर का पावर वाला तो स्प्रे रहता ही है, तो उसी के यूज़ से उसके पावर से एक छोटा सा ये हैंड मशीन बनाया है। देखिए इसमें एक कटर लगाया है, छोटी सी मोटर है और ये जो किसी भी कटिंग के लिए, जैसे बड़ी घास है और कहीं तुअर है और कहीं कोई भी हमारे जो जिसको छटनी करनी ज़रूरत रहती है कटिंग करने की, तो उसी के लिए काम में आता है। तो आप देखिए कि कितना इजी होता है और मैं आपको डेमो बता रहा हूँ। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए छोटा सा जुगाड़ है, तो इसमें कुछ बहुत सा छोटा सा है और बहुत ईजी भी है। देखिए धीमे धीमे, देखिए कितना ईजी है। और ऐसा ही आप लेने जाते हो तो होंडा कंपनी और कोई भी ब्रांडेड कंपनी का 10-12 हज़ार 15 हज़ार का हो जाता है। तो ये किसान भाई अपने आइडिया से कितने नए नए आइडिया बना रहे हैं, तो आप भी देखिए और उसमें से कोई फ़ायदा निकाल के और अपना कुछ भी काम है तो कुछ नया इनोवेटिव करिए। देखिए देखिए कितना हो जाता है, ये 5 एकड़ का फार्म है, एक ही दिन में वो पूरा कटिंग कर लेता है। और आप आदमी से और कहीं लेबर से कटिंग करवाते हो तो आपका कितना खर्चा होता है आप खुद देख लीजिए। ये छोटे छोटे जुगाड़ है और हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ भी जुगाड़ आपने बनाया हो और कुछ भी नया कुछ किया हो तो आप शेयर कीजिए, ताकि पूरे इंडिया के और हमारे ग्रुप के सभी फार्मर्स को पता चले कि भाई ये कुछ हो रहा है नया। अपना प्रतिभा भेजिए। देखिए ये जो छोटा सा जुगाड़ है ना, मेरे मित्र है और मेरे गांव के बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, जिसने नई नई कुछ बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बनाई है, दूसरे भी आइडिया है, तो मैं उनसे बात करवाता हूँ आपको जो कैसे उसमें आइडिया है और कैसे ये बना दिया और उसका रिजल्ट देखिए। देखिए ये मितेश भाई है और ये राहुल भाई है, दोनों बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स है और यंगस्टर्स है। तो देखिए मितेश भाई, ये आपने कैसे बनाया? ये रोपा लगाया था पूरा, हाँ, तो उसका कटिंग के लिए आदमी कम से कम 20 रोज चला जाएगा इसमें, 20 आदमी तो कम से कम चाहिए। हाँ देखा गया, चलो ये अच्छा रहेगा तो एक ही आदमी पूरा कर देता है। अच्छा, खर्चा बहुत बच गया। तो कितने दिन में ये काम हो जाता है पूरा खेत का? 5 एकड़ एक दिन में कटिंग हो जाएगा। और इसमें बनाने का खर्चा आपको कितना आया? जैसे 1000 रुपये का होता है ये। 1000 रुपये का? और ये कितना टाइम पूरा बैटरी से चलता है? पूरा दिन चलेगा बैटरी से। और उससे क्या दूसरा भी कुछ हो सकता है कि सिर्फ ये छोटा सा कटिंग हो सकता है? ना ना, सब होता है ना, सब कटिंग होता है, सब होता है, सब ये बिंदा खरबिंदा ये अभी। हाँ देखिए ये ऐसे जो भी है वो भी कटिंग हो जाएगा, ये जो भी है उसका भी आप कटिंग कर सकते हो और उसका पूरा बहुत कम खर्चे में और बहुत ईजीली कर सकते हो। जैसे ये सब आइटम और कुछ नया लाना नहीं पड़ता, सब हमारे यहाँ पड़ा रहता है। और जैसे हमारे पास पावर के लिए स्प्रे पंप तो होता ही है, से होता है तो। एक हाँ, प्लास्टिक का पाइप, एक मोटर और एक ब्लेड बस। और आप शायद इसको घर पे ही बना सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। और कोई किसी दूसरे किसान भाई को चाहिए तो क्या आप हेल्प करोगे और क्या मार्केटिंग करोगे पूरा अपना? तो ऑर्डर ले सकते हो तो फिर आप तो ऑर्डर ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, हेल्प करेंगे जो खेलूट को चाहिए इसको लिए हेल्प करेंगे सबको। अच्छा, बना देंगे, ऐसा नहीं है कुछ। और ये जो मितेश भाई है ना, उसमें एक दूसरी बात मैं बताऊँ, जैसे हम लोग प्लांटेशन करते हैं, रो टू रो प्लांटेशन करते हैं शुगर केन का, लेकिन मितेश भाई ने क्या किया था, आगे एक बॉक्स पद्धति डेवलप किया था, बॉक्स पद्धति। और ये ऐसा डेवलपमेंट किया था कि दोनों ओर से 90 एंगल पर आप कहीं भी ट्रैक्टर चला सकते हो। तो एक बॉक्स बनाया था और उसी बॉक्स में 10 से 12 जो शुगर केन आईबर्ड लगाए थे और उसी के हिसाब से उसी में टिलरिंग हुआ था और उसी के हिसाब से उसने ये काम किया था। उसको भी फोटो है, 2 साल पहले ये पूरा डेवलप किया था। तो एक ट्रैक्टर के हिसाब से आपको उसमें कभी भी कल्टीवेशन करना है, कुछ भी काम करना है तो बहुत इजी रहता है। और जो खाद का पोर्शन भी है वो एक ही बॉक्स में डालना है तो उसका जैसे वेस्टेज भी बहुत कम हो जाता है, तो उससे फ़ायदा भी बहुत
अच्छा मिलता था। तो ये ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे और कुछ नया हमारे लिए बनाए और सभी फार्मर्स को उसका फ़ायदा मिल जाए। थैंक यू मितेश भाई, थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू आपका भी।